अभी किस तरीके से काम वहां पर हो रहा है, किस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, अंकित हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं। अंकित, सबसे पहले अपडेट और अपडेट इस बात को लेकर कि वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर क्या अपडेट है इस वक्त? दीपा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विकल्पों की, तो आपने विस्तार से बताया कि क्या क्या विकल्प हैं, लेकिन मैं दो विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। वैसे तो यहाँ पर चार विकल्प बताए गए हैं, लेकिन पहला विकल्प जो इस हॉरिजॉन्टल, ये जो अभी सुरंग है इसके अंदर जो एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाई जा रही है, पैरेलल टनल, रेस्क्यू टनल जिसको नाम दिया गया है, उसके अंदर अभी करीबन 10 मीटर की दूरी है और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे ही ऑगर मशीन कट करके बाहर निकलेगी, मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी आर्मी की निगरानी में और वो जो है जल्द ही उन तक सकती है। लेकिन दूसरा विकल्प जिस पर जो है कल देर रात से काम शुरू हुआ है और वो है वर्टिकल ड्रिलिंग का। अब यहां पर हालांकि सवाल हो सकते हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग की बात काफी पहले से चल रही थी तो आखिर उस तब उस पर जोर क्यों नहीं दिया गया। आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से इस वक्त जो है अगर पहाड़ के ऊपरी हिस्से की बात करते हैं तो वहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है, वहीं जो मेन रास्ता है वहां पर जो रेस्क्यू टनल बनाने का काम है। इस सबके बीच में हमको दूरी भी ध्यान रखनी होगी। देखिए, जहां पर ऑगर मशीन फंसी हुई है वहां पर से दूरी मजदूरों की करीबन 809 मीटर की है, वहीं अगर वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करते हैं वहां से करीबन अभी भी दूरी 60 मीटर से ज्यादा की है। तो ऐसे में विकल्प अभी भी वर्टिकल ड्रिलिंग की बात आप कह रहे हैं उसी पर बड़ी खबर क्या है वो जल्दी से हम दर्शकों को बता दें, फिर आपका रुख करते हैं। देखिए, बड़ी खबर यह है कि सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है 15 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की जा चुकी है, इस वक्त की जानकारी। करीब 86 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग होनी बाकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग से टनल तक पहुंचने में 4 दिनों का वक्त लगेगा, अगर कोई अड़चन नहीं आई तो, सब कुछ ठीक रहा तो। आप लोगों को ध्यान होगा वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहां से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन का नया राउंड है, प्लान बी। इसके बारे में तफसील से आपको हम बताते हैं कि आखिर यह है क्या, किस तरीके से इसमें आगे बढ़ा जाएगा, किस तरीके से काम होगा, प्लान बी क्या है। सुरंग के ऊपर से 86 मीटर तक खुदाई की जाएगी और ड्रिलिंग की रफ्तार मिट्टी और चट्टान पर निर्भर करती है। ज्यादा सख्त जमीन पर ड्रिलिंग में ज्यादा वक्त लगेगा, ये प्लान बी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। और साथ ही देखिए, सुरंग के ऊपर से 86 मीटर तक खुदाई की जानी है, ड्रिलिंग की रफ्तार मिट्टी और चट्टान पर पूरी तरीके से निर्भर है और ज्यादा सख्त जमीन पर ड्रिलिंग में ज्यादा वक्त लगेगा, यह भी कहा जा रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।